बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कॉर्न सूप, तो चलिए रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने पैन में 1.5 लीटर पानी ऐड कर लिया है। आपने जितना बनाना हो आप उसी हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम चिकन ऐड कर लिया, इसे हम बॉईल कर लेंगे। 2 बड़ी इलायची मैंने ऐड कर लिया और चिकन हमारा बॉईल हो रहा है। अब हमने दूसरे पैन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है और 3 जवे मैंने लहसुन के लिए थे वो कट कर लिए थे वो ऐड कर दिए। इनको हमने गोल्डन कर लेना है। जैसे ये गोल्डन होंगे तो हम इसमें अपनी वेजेज ऐड करेंगे। तो ये गोल्डन हो गया है। सबसे पहले मैंने कैरेट ऐड कर दिया 1 कप, तो आप देख सकते हैं क्यूब कट मैंने की हुई है। कैरेट के बाद अब मैंने पीस ऐड कर दिए हैं, ये भी आपने सेम क्वांटिटी में ऐड करने हैं। इनको क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं इसलिए हमने इन्हें पहले ऐड कर दिया। 2 मिनट कुक करने के बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दिया। शिमला चूंकि थोड़ा टाइम लेती है इसलिए हमने इसे ज़रा बाद में ऐड किया। तो इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना, कुक करना इन्हें अच्छे तरीके से। क्रंच इनका नहीं ख़त्म होना चाहिए। इसके बाद मैंने 1 को भी ऐड कर दिया, ये भी हमने उतनी क्वांटिटी में 1 कप ली थी वो ऐड कर दिया। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। कॉर्न मैंने ली हुई थी, बॉयल की हुई थी, वो ऐड कर दिया, स्वीट कॉर्न, क्योंकि ये चिकन कॉर्न सूप है तो कॉर्न इसमें लाजमी ऐड होगी। तो इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। बहुत ही खूबसूरत कलर आ रहा है। यहाँ पर हमारी जो है यखनी तैयार हो गई थी, तो चिकन मैंने निकाल लिया था और अपना जो वेजेस हैं वो सारी इसी स्टॉक में ऐड कर दिया। इन सबको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। अब हम अपने श्रेडेड चिकन जो थी वो ऐड कर दिया है। अब हम इसमें इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से चम्मच हिला के मिक्स करेंगे और इसके बाद स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है और इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड किया है। तो वेजेज जो हैं वो हमारी बॉयल हो चुकी हैं। अब मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून सिरका ऐड कर दिया है और 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दिया है और 1.5 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड कर दिया। इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। चम्मच हम हिलाएंगे अच्छे तरीके से। तो ये हमारे जो है सूप काफ़ी हद तक डन हो गया। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी लेके मैंने उसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया था, उसे मिक्स करके आहिस्ता आहिस्ता वो ऐड कर दिया था और चम्मच हमने मुसलसल हिलाते रहना। तो इसके बाद हमने 2 अदद अंडे लिए थे वो ऐड कर दिए और चम्मच हमने सेम मुसलसल चलाते रहना है। तो सूप हमारा रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको रेसिपी कैसी लगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।